चैम्बर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, इस वाक्य को नोट कीजिएगा सभी, जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिसको मैंने आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये वो पेन ड्राइव है और ये वो एक स्क्रिप्टेड टाइप पेपर है। आप सभी को याद होगा कि उस दिन मैंने ऑडियो क्लिप्स के साथ एक ये पेपर भी भेजा था। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया था। और इस पेनड्राइव में ये सारी चीजें थी। पेनड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दीजिए। अब चूंकि पेनड्राइव से तो सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, मैं इस पेनड्राइव को लेकर तुरंत घर आया। घर आके मैंने इस लैपटॉप में इसको ट्रांसफर किया। और लैपटॉप से मैंने ऑडियो क्लिप्स को अपने फोन में लिया और उस फोन के द्वारा आप सभी को, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उनको मैंने वो ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट की। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए। और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी, पिंक हाउस के चैम्बर में